आपका सुई जो है बार बार निकल जाता है कुछ इस प्रकार से। देख लीजिए, जैसे आप सुई घुसाते हैं नीचे गया, और जब आप इस तरीके से मशीन चलाते हैं तो देख लीजिए सुई जो है निकल जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। यानी कि जब भी सुई इस तरीके से निकल जाता है तो आपके सिलाई मशीन में क्या प्रॉब्लम होता है ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि देख लीजिए ये कभी कभी नीचे जाके फंस जाता है। देख लीजिए, तो जो ये चुटकी होता है दोस्तों ये खराब हो जाता है, ये जो चुटकी है ये खराब हो जाता है। अगर आप कस देते हैं इस तरीके से सुई को डाल करके इसमें कस देते हैं, और सिलाई करते समय क्या होता है कि जब इस तरीके से टाइट करते हैं और सुई जब नीचे जाता है इस तरीके से, और जैसे ऊपर आता है सुई निकल जाता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये चुटकी जो है ये आपका, एक मिनट, ये चुटकी जो है ये खराब हो जाता है, क्योंकि इसका जो साइज होता है ये टाइट करते करते जब ज्यादा टाइट कर देते हैं आप तो ये धीरे धीरे इसका होल जो है ये बड़ा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या करना है, आपको चुटकी इसमें चेंज कर देना है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका सुई जो है बार बार निकल के गिरेगा नहीं और आपका सुई टूटेगा नहीं, बार बार आप परेशान नहीं होंगे। तो इसमें दो साइज का आता है दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। तो यहां से देखिएगा, इसमें दो साइज का है, देख लीजिए, एक ये आता है चौरस में आता है, देख सकते हैं ये बड़ी मशीन का है, और एक गोल गोल में आता है, देख लीजिए ये गोल है तो ये छोटी मशीन का है। अगर आप चौरस वाला लगा देते हैं बड़ी मशीन का अचानक से अगर लगा देते हैं आप, तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपका सुई जो है टाइट करते समय घूम जाएगा सुई। तो देख लीजिए, जब भी अगर इस प्रकार का खराब हो जाए आपका चुटकी तो इसको निकाल कर रख दीजिए, और ये वाला जो है चुटकी नया खरीद लीजिए और इसको लगा लीजिए इस तरीके से। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, देख लीजिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, चुटकी ले आइए और इसको ढीला कर लीजिएगा एकदम, देख लीजिए इस तरीके से आप ढीला कर लीजिए, और ढीला करने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा दीजिए, और लगाने के बाद हल्का सा टाइट कर दीजिएगा, ये गिरेगा नहीं। और इसके बाद सुई जो आपका है यहां से, ये जो सुई है सुई लगा दीजिए। तो देख लीजिए, अभी मैं आपको लगाकर दिखा रहा हूं, देख लीजिए इस तरीके से आपको सुई लगा देना है दोस्तों। देख लीजिए इस तरीके से सुई लगा करके टाइट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, एक छोटा सा पेचकस ले लीजिएगा, और छोटे से पेचकस से देख लीजिए, छोटा पेचकस मशीन के साथ में आता है, इससे आपको टाइट कर देना है इसको अच्छे तरीके से। देख लीजिए टाइट हो गया है। अब क्या है, जब भी आप सिलाई करेंगे तो देख लीजिए ये सुई जो है आपका निकलेगा नहीं। कभी कभी क्या होता है, सुई जब चलाते हैं तो नीचे चला जाता है और सुई निकल जाता है। अक्सर करके मोटा कपड़ा जब सिलाई करते हैं तभी निकलता है सुई, पतला कपड़ा सिलाई करेंगे तो नहीं निकलेगा। जैसे थोड़ा मोटा पड़ेगा सुई क्या होगा, नीचे रह जाएगा और आपका राड जो है ऊपर चलाएगा, तो आप इससे परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप चेंज कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।